हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में लेक्चर नंबर 6 में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। दैट वाज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। हम लोगों ने, मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक आपके इस चैप्टर में पहले वाले टॉपिक के बारे में कंप्लीट कर चुका है। सबसे पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशंस वाला। अब हम शुरुआत करने वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है। तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होता है जो डिपेंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ना कि आपके उस सॉल्यूट के नेचर के ऊपर, करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके टोटल 4 अलग अलग डिस्कस करने हमें, जिसमें सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन हमें डिस्कस करना है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट स्टूडेंट्स, इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस टॉपिक को हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं करने वाले। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस पूरे टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपको चीजें और भी अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर, बिकॉज अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपको रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ही आपका वेपर प्रेशर समझ में आ गया, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा वाला पार्ट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर आप उसको वेपर प्रेशर लोअरिंग बोलोगे तो भी चलेगा, वन एंड द सेम, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, अंडरस्टूड। यहां तक समझ में आ गया? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन, दैट इज वेपर प्रेशर। अब यहां पे सारे बच्चों को पता होगा एग्जैक्टली वेपर प्रेशर क्या होता है, करेक्ट है। मेरे पास 2 वर्ड्स है स्टूडेंट, फटाफट। पहला वर्ड कौन सा दिया हुआ है? वेपर। दूसरा वर्ड मेरे पास क्या दिया हुआ है? प्रेशर। अब यहां पे आपका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पे 2 डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू ये दोनों डायग्राम्स एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो दिस आर नथिंग बट द बीकर, ठीक है। ये बनेगा हमारा पहला बीकर, ये बनेगा हमारा दूसरा बीकर। नाउ फर्स्ट वाली बीकर को हमने बोलना है ओपन सिस्टम, ठीक है। ये बीकर हमारा एक सिस्टम का काम करेगा, और इस बीकर को मैंने कैसे रखा हुआ है? ओपन कंडीशन, मतलब इसको मैंने ऊपर से ढका हुआ नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा ओपन सिस्टम। वरस इस वाली बीकर को मैंने क्या कर दिया, तो मैंने इसको क्लोज किया, ऊपर से मैंने इसको लिड मतलब एक ढक्कन इसके ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा क्लोज्ड सिस्टम, एग्जैक्टली समझ में आ गया। चलो अब हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम में और क्लोज्ड वाले सिस्टम में आपका डिफरेंस क्या होगा, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ ओपन सिस्टम, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब इस ओपन सिस्टम में, मतलब इस बीकर में हमने क्या किया हुआ है, मैंने से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, व्हिच इज अ प्योर सॉल्वेंट। मैंने यहां पे एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्वेंट के तौर पे लिया हुआ है H2O, दैट इज वाटर, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो इस कंटेनर के अंदर और इस बीकर के अंदर हमने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। अब ये सिस्टम कैसा है? ओपन है, मतलब इसको मैंने ऊपर से ढक के रखा हुआ, क्लोज किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर नीचे से हीट अप्लाई किया, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अब नीचे से जब मैंने इसको हीट अप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका ये जो वाटर जो है और इल्स अ सॉल्वेंट जो है, ये आपका लिक्विड वाले कंडीशन में, कौन से लिक्विड वाले कंडीशन में, मतलब ये आपका लिक्विड फेज है, करेक्ट है, ये हमारा लिक्विड फेज है। अब क्या होगा, जैसे आप इसको हीट अप्लाई करोगे, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये लिक्विड आपकी गैशियस फॉर्म में
कन्वर्ट होगा एंड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये वेपर्स आपके बाहर निकल जाएंगे, करेक्ट है? इस बीकर के अंदर से आपके सारे वेपर्स बाहर निकल गए, मतलब यहां पे आ जाएगा आपका गैशियस कंडीशन, ठीक है? तो लिक्विड आपका किसमें कन्वर्ट हुआ? गैस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। बट मुझे बताना स्टूडेंट्स, ये सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम होने की वजह से सारे बच्चों का ध्यान यहां पे बिल्कुल भी यहां पे मिस मत करना, ठीक है? अब सिस्टम हमारा ओपन होने की वजह से क्या होगा, सारा का सारा गैस आपका बाहर रिलीज हो गया, मतलब ये सीधा एटमॉस्फेयर में चला गया, आपके एनवायरमेंट में मिक्स हो गया, ठीक है? अब मुझे बताना, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट तो हुआ, मतलब यहां पे वेपर्स तो बन रहे हैं, बट मुझे बताओ यहां पे आपका कोई भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्या? सो आंसर इज नो, ठीक है? यहां पे आपका एवापोरेशन प्रोसेस तो हो रहा है, एवापोरेशन तो हुआ, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बट यहां पे मुझे बताना आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के दौरान वेपर बना रहा है, बट इज इट पॉसिबल कि वो चीज प्रेशर बना पा रहा है क्या? तो आंसर इज नो। तो यहां भी आपका प्रेशर बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ओपन सिस्टम में कभी भी आपका प्रेशर बनता नहीं है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपका लिक्विड का जो क्वांटिटी होगा वो धीरे धीरे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से धीरे धीरे आपका सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओ आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट कौन से कंडीशन में? दैट इज इन द ओपन सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लोज्ड सिस्टम। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इस क्लोज्ड वाले सिस्टम में भी हमने ऑलरेडी पानी भर के रखा हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये आपका बन जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पे मैंने किसका इस्तेमाल किया हुआ है, दैट इज H2O, करेक्ट है? नाउ द सेम प्रोसीजर यहां पे भी फॉलो करेंगे। तो यहां पे भी मैंने क्या अप्लाई किया, हीट अप्लाई किया स्टूडेंट्स। अब हीट अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, आपका जो लिक्विड फेज था अब वो सबसे पहले गैसियस वाले फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब आपके वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहां से आपका क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, करेक्ट है? बट इज इट पॉसिबल, अब आपका सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है, मतलब आपने कंटेनर को बंद करके रखा हुआ है। अब जैसे आपने कंटेनर को बंद रखा हुआ है तो मुझे बताओ आपका ये जो वेपर जो है ये आपके कंटेनर से बाहर जा पाएंगे? सो आंसर इज नो। मेरे हिसाब से सारे को आंसर आ गया, ठीक है? अब मुझे बताओ ये जो भी गैसेस है ना, ये यहां पे आपके लिड पे टकराएंगे और वापस आपका बाउंस बैक होके उसी कंटेनर में घूमते रहेंगे, करेक्ट है? समझ में आ गया? बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर इज, जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एवापोरेशन। क्या बोलोगे आप इसको? एवापोरेशन। बट ये वाला गैस आपके कंटेनर से बाहर जा रहा है क्या? सो आंसर इज नो। तो क्या होगा, वापस आपका यही गैस किसमें कन्वर्ट होगा? तो यहां पे आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, अब सिस्टम आपका क्लोज्ड होने की वजह से वापस आपका गैस किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर क्या बनेगा, एक प्रेशर बनेगा, क्लियर? और इसी प्रेशर को आप लोग क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर। क्या बोलोगे आप इसको? वेपर प्रेशर। समझा? तो यहां पे याद रखना, द प्रेशर विच हैज बीन एक्सर्टेड बाय द वेपर, क्लियर? जो प्रेशर आपकी वेपर्स की वजह से बन रहा है आप उसे क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, मुझे बताओ यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा था क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल कंडीशन हो रहा था क्या? सो आंसर इज नो। यहां पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, दोबारा आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज यहां पे सिस्टम कैसा था, ओपन था। बट इन दिस केस आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ एंड अगेन गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे इवापोरेशन हुआ और साथ ही साथ कंडेंसेशन भी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द रेट ऑफ इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू
रेट ऑफ कंडेंसेशन, इज दैट क्लियर? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो रहा है, एंड दिस फिनोमेना और दिस कंडीशन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो जब आपका सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे होता है तभी आपका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा. Exactly, समझ में आ गया. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली आपका वेपर प्रेशर क्या होता है. हमेशा याद रखना, ओपन वाले सिस्टम में आपका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, वेरस क्लोज्ड वाले सिस्टम में आपका वेपर प्रेशर बनता है. क्लियर? समझ में आ गया. तो अब हम शुरुआत करेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में. ठीक है, फटाफट इसको एक कॉपी कर लो, आपके नोट्स बना लो, एंड साइमल्टेनियसली ऊपर हेडिंग लगा लो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, ओके. सो अब हम शुरुआत करेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेकेंड वाले पार्ट के ऊपर. ठीक है, तो आई होप आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता. तो अब हम डिस्कस करते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बट इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं. सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है ना लोवरिंग, क्या दिया हुआ है? लोवरिंग. इसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. क्या निकालना होगा? डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना होगा. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करके लोग जो भी आंसर निकालोगे दैट इज द डिफरेंस. करेक्ट है? अब यहां पे डिफरेंस आप किसका निकालोगे? तो वेपर प्रेशर का आपको यहां पे डिफरेंस निकालना है. ठीक है, अब जब आप डिफरेंस की बात करते हो तो आपके पास यहां पे दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहां पे अज्यूम किया हुआ है फर्स्ट वाली बीकर में मैंने लिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट. जब आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हो ना प्योर, प्योर का मतलब हो जाएगा इसमें कोई भी चीज और दूसरी मिली हुई नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. सी फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे प्योर सॉल्वेंट के तौर पे मैंने लिया हुआ है H2O, चलेगा? ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्योर सॉल्वेंट. इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिमिलरली मैंने दूसरे वाले बीकर में एक और मैंने चीज यहां पर लिया हुआ है व्हिच इज नथिंग बट सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो सॉल्यूशंस बनाने के लिए मैंने दो चीजें ली हुई है. एक आपका बनेगा सॉल्वेंट, एक आपका बनेगा सॉल्वेंट, एंड दूसरा मेरे पास यहां पे आ जाएगा सॉल्यूट. ठीक है, समझ में आ गया. बट इस बार हमने जो सॉल्यूट लिया हुआ है ना, ध्यान से आप सारे बच्चों का ध्यान यहां पे पहले बता रहा हूं, देख लो. ठीक है, तो जब मैंने सॉल्यूट लिया हुआ है ये आपका कौन सा सॉल्यूट है? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. स्टूडेंट्स कौन सा सॉल्यूट है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब ये क्या होता है नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. सो वॉलेटाइल इज नथिंग बट जो चीज आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाती है विदाउट अप्लाइंग हीट. ठीक है, तो जिससे आप लोग हीट अप्लाई नहीं करते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका वो इवेपोरेट हो जाता है अब उसे कहोगे वॉलेटाइल. वेरस नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो चीज आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होती है तो आप उसे कहोगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. समझा? मतलब यहां पे आपका वॉटर तो प्रेजेंट है बट इस वॉटर में मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया हुआ है. समझ में आ गया? ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे शुगर को भी ऐड कर दिया. ठीक है, तो वॉटर और शुगर दोनों मिलाकर क्या बनेगा? सॉल्वेंट बनेगा, सॉरी सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, तो पहले वाले बीकर में प्योर सॉल्वेंट और दूसरे वाले में मैंने लिया हुआ है सॉल्यूशन. अब मुझे बताओ जब आप इसका वेपर प्रेशर निकालोगे तो वेपर प्रेशर कहां से निकलता? तो आपकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सी फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहां पे मॉलिक्यूल्स है, यहां पे भी मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहां पे भी है. समझ में आ रही मेरी बात? मॉलिक्यूल सब जगह पे, लेकिन जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स है ना हम इसको क्या बोलेंगे? बल्क मॉलिक्यूल. वरस ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ये बन जाएगा आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होता है ना वो किसका निकलता है? तो आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका निकलता है. ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर हमने हीट अप्लाई किया इसका प्रेशर निकलेगा बराबर है तो आप उसको क्या कहोगे? वेपर प्रेशर कहोगे. ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर जो आपका बाहर लिबरेट हो रहा है बाहर जो निकल रहा है, ठीक है बात समझ में आ गई? ये जो आपका वेपर प्रेशर बाहर निकल रहा है ध्यान से समझना, ये जो आपका वेपर प्रेशर बाहर निकलेगा ये किस चीज का होगा? प्योर सॉल्वेंट का होगा. ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट का होने की वजह से आप इस वेपर प्रेशर को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो वेपर प्रेशर का सिंबल हो गया पी. प्योर बोला मतलब यहां पे आ जाएगा नॉट, सॉल्वेंट बोला मतलब यहां पे आ जाएगा वन. तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया पी नॉट वन.
क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका प्रेशर जो बाहर निकलेगा इसको मैंने रिप्रेजेंट करा दिया पी नॉट वन से, करेक्ट है। वरिस जब आप सेकंड वाले का प्रेशर अप्लाई करोगे, यहां पे अपनी हीट अप्लाई कर दिया, यहां पे भी आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, सरफेस वाले होंगे, और नीचे जो मॉलिक्यूल्स होंगे आप उसको क्या बोलोगे, बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किस चीज का निकलेगा, तो आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसका निकलेगा, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब यहां से भी आपका प्रेशर बाहर निकला, और प्रेशर बाहर निकलने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इस वाले प्रेशर को मैंने नाम दे दिया सिंपल पी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था इसको मैंने रिप्रेजेंट करा दिया सिंबल पी से, ठीक है। अब दोनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका रहेगा, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर उस चीज का रहेगा जो कि आपके प्योर वाले फॉर्म में था, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट है। और जब आप ये दोनों चीजों का डिफरेंस निकालते हो, दिस माइनस दिस, तो आपका बन जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया। तो देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस। तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे कि इसके बीच का वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, exactly, समझ में आ गया। चलो अब एक सिंपल सा इसका इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान देना भी यहां पे, सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ लो ना, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल्स टू, डिफरेंस बोला हुआ है मतलब माइनस किस चीज का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है, समझ में आ गया। माइनस सेकेंड मेरे पास दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां पे आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सिंबल क्या बनेगा, दैट इज डेल्टा पी, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा पी व्हिच इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सिंबल क्या बताया था मैंने, वेपर प्रेशर बोला मतलब पी, प्योर बोला मतलब नॉट, ऊपर नॉट और नीचे आ जाएगा वन, बिकॉज ये सॉल्वेंट है ना, तो यहां पे आ जाएगा पी नॉट वन माइनस यहां पे आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां पे आप सिंपली पी से रिप्रेजेंट करोगे तो भी चलेगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट वन माइनस पी, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्मूलेज याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मूलेज याद नहीं रखोगे तो आपके इक्वेशंस आगे आप लोग सॉल्व कैसे करना है ये आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। लास्ट हम लोग बढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर कॉपी कर लो और ऊपर हेडिंग लगा लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर जाएंगे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा मैंने आपको बताया था पहले हम लोगों ने पढ़ लिया वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एंड फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट है। नाउ रिलेटिव जहां पे आपका वर्ड दिया हुआ है दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना होता है, करेक्ट है। सॉरी नाउ रेशियो जब आप निकालते हो तो यहां पे भी आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले फर्स्ट वन रेशियो बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है। तो आपके पास यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है सेम, इसी डेफिनेशन को क्या करना है आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। सो देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आपने पूरा लिखना है, ठीक है, व्हिच इज इक्वल्स टू रेशियो किसका, वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहां पे आ जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है, समझ में आ गया।
अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सिंबल क्या बताया था मैंने, दैट वाज डेल्टा पी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब ये बन जाएगा पी नॉट वन, करेक्ट। अब इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज पी नॉट वन माइनस पी और अपॉन नीचे दिया हुआ है पी नॉट वन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान से समझना, हमने दो फॉर्मूले इसके बारे में डिस्कस कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट वन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था पी नॉट वन माइनस पी, और दूसरा हमने डिस्कस किया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन, व्हिच इज इक्वल्स टू पी नॉट वन माइनस पी अपॉन पी नॉट वन। समझ में आ गया? तो ये दोनों फॉर्मूले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में रिवाइज कर लो, बिकॉज कल के लेक्चर में हम क्या करने वाले, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और या फिर मैं बोल सकता हूं डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 to 3 marks के लिए, करेक्ट है। तो ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो आज फटाफट इसके नोट्स बना लो और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।